अगर आप नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार से हैं तो ये वीडियोस आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 2022 में बिजली का नया कनेक्शन लेने का प्रक्रिया। हमने पूरी चीज़ आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है कि 2022 में बिजली बिल का नया कनेक्शन किस तरह आप ले सकते हैं। बिना एक रुपये पेमेंट के आप बिल्कुल फ्री में बिजली बिल का नया कनेक्शन ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। मैं आज की वीडियो में नॉर्थ बिहार के बारे में बताऊंगा, लेकिन साउथ बिहार का जो प्रक्रिया जो दोनों सेम होने वाली है। ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ बिहार की वेबसाइट है और ये साउथ बिहार की, दोनों की जो वेबसाइट लुक सही है और वर्क भी सेम ही करती है। तो मैं नॉर्थ बिहार का भी जो अप्लाई करूंगा, सेम उसी तरह आप साउथ बिहार से साउथ बिहार के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में बिजली बिल का नया कनेक्शन लेने का प्रक्रिया। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। अगर नॉर्थ बिहार से तो आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, अगर साउथ बिहार से तो आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। दोनों वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। उसके बाद यहां पे आएंगे, न्यू कनेक्शन आपको मिलेगी जो कि देख पा नॉर्थ बिहार की वेबसाइट पे, और अगर साउथ बिहार की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे भी आपको मिलेगा न्यू कनेक्शन। तो वो क्या करना है, जो भी एरिया से आप आते हैं तो उसके सामने यहाँ पे न्यू सर्विस कनेक्शन, तो आपको न्यू सर्विस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। सेम इसी तरह का साउथ बिहार से तो आपको सेम उसी तरह क्लिक करना है, क्योंकि दोनों का प्रक्रिया जो सेम होने वाला है। तो हम नॉर्थ बिहार के बारे में करके देखेंगे। चलिए साउथ बिहार वाले टैब को हम क्लोज करते हैं, नॉर्थ बिहार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ भी मोबाइल नंबर देंगे, जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपने बिजली बिल कनेक्शन का, तो मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जिला सेलेक्ट करना है, ये जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जेनरेट ओटीपी भी क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। कुछ जैसे कहा जाए यहाँ पे कनेक्शन टाइप पे आपको किस डोमेस्टिक यानी घर के लिए ले रहे या किसी और के लिए ले रहे तो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप घर में यूज करने के लिए ले रहे हैं तो आपको डोमेस्टिक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल पर ओटीपी गया है। हमारा जो ये मोबाइल नंबर, ये रॉन्ग मोबाइल नंबर हम सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता तो आपको फिर से यहाँ न्यू कनेक्शन क्लिक करके मोबाइल नंबर डालेंगे तो ओटीपी आपको आ जाएगा। डोमेस्टिक सेलेक्ट करेंगे, जो ओटीपी रिसीव हुआ आपके नंबर वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई टेंशन सप्लाई को सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो एलटी को सेलेक्ट करेंगे। एलटी को सेलेक्ट करने का मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अगर ईमेल आईडी देना चाहते दे सकते, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते। उसके बाद यहाँ अपना पूरा एड्रेस देना होगा पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ आपको ब्लॉक पूछा जाएगा, जो भी आपका ब्लॉक हो वो ब्लॉक आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पंचायत पूछा जाएगा, जो भी आपका पंचायत हो पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद जो भी वार्ड है आपका वो वार्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसी तरह आप जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पूरी एड्रेस आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ट्रैफिक यहाँ पे आपको मिलेगा तीन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले DS1D वाले को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फेज, कितने फेज का लेन चाहिए आपको, एक फेज या तीन फेज चाहिए, तो एक फेज को चाहिए तो एक फेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है लोड, आप जो कनेक्शन ले रहे हो उसमें कितना लोड होना चाहिए, कितना आप खर्च कीजिएगा वो आप यहाँ पे बताना होगा। चलिए हम बताते हैं वो कैसे आप निकाल पाएंगे। लोड जानने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना होगा। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा लोड, इस लोड पे क्लिक करें। यहाँ आपको मिलेगा लोड कैलकुलेटर, तो आपको लोड कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। जैसे आप लोड कैलकुलेटर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है लैंप, जो लैंप कितने जलाइएगा, कितने वाट का लैंप आप जलाइएगा, यहाँ 25 वाट का या जितना वाट का, अगर 25 वाट का लैंप जलाइएगा 25 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वाट को, कितना 25 वाट का लैंप आप जलाइएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 25 वाट का लैंप जलाऊंगा, 2 डालूंगा यहाँ पे। उसी तरह अगर सीलिंग फैन है तो कितने वाट का है, टेबल फैन है तो कितने वाट का है, कितनी संख्या, एक एक संख्या है, ये हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लोड यहाँ पे दिखा रहा है, जो देख सकते हैं टोटल लैंप का 50 लोड हो गया, इसका 60, इसका 40, इस तरह आप लोड यहाँ पे डालेंगे तो टोटल लोड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लोड आप इस तरह निकाल के यहाँ पे डालेंगे। वाट देने के बाद यहाँ पे नाम देंगे जिसके नाम से आप बिजली बिल का कनेक्शन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनके फादर या हस्बैंड का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ में आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और साथ साथ राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते दे सकते हैं। हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो आपको अपलोड करनी होगी, जिसकी केबी 500 केबी से कम होनी चाहिए। अगर आप जेपीजी में कर रहे हैं तो 500 केबी से कम होना चाहिए। अगर आप पीडीएफ में कर रहे हैं अपलोड तो आपको 10,000 केबी से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वहाँ यहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। अब आधार कार्ड के आगे यानी फोन की जो पिक है वो यहाँ पे अपलोड करना।
आधार कार्ड की आगे का जो साइड है वो यहाँ पे अपलोड करना है, आधार कार्ड के पीछे का जो साइड है बैक साइड वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जिसके नाम से आप कनेक्शन ले रहे हैं उनका फोटो अपलोड करना, तो जिसके नाम से कनेक्शन ले रहे हैं उसका पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे जमीन का रसीद अपलोड कर सकते हैं या एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर खुद के जमीन पे घर बना हुआ वहाँ पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जमीन की रसीद अपलोड करेंगे। अगर आप किराए पर रूम लिए हुए उसका एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट को आप अपलोड करेंगे, या किराए पर लिए हूँ जो भी आपके साथ दोनों की बातचीत हुई को यानी कि शपथ के माध्यम से हो या एग्रीमेंट के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से आप लोग की हुई होगी, तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। दोनों में आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सबमिट करेंगे कुछ इस तरह बताइए, क्या आप श्योर हैं इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, यानी कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर भी दे दिया गया है, न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट कैरियरेड विथ रिक्वेस्ट नंबर इतना। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको ओके बटन पे क्लिक करना, ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक करना, ओके करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ भी वही चीज बताया गया, आपका जो रिक्वेस्ट है वो ले लिया गया है और आपका रिक्वेस्ट संख्या ये है। आप कस्टमर को डॉक्यूमेंट प्रिंट देना होगा सबूत कि आपने अप्लाई कर दिया उनका बिजली बिल न्यू कनेक्शन के लिए, तो आपको क्या करना है इसी को प्रिंट करके दे देना है। आप जो न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किए तो वहाँ उस समय आपको रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा, उस रिक्वेस्ट नंबर से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने का लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है वो 8 प्रक्रिया से गुजरेगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी प्रक्रिया यहाँ पे दी गई। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट नंबर हमें मिला था वो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे, व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे उसका नाम, फादर, पति नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी बता रहा है आपका स्टेटस, योर एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू IT मैनेजर, आपका एप्लीकेशन जो है वो भेज दिया गया IT मैनेजर के पास। और अभी 8 प्रक्रिया में से आपका जो 2 प्रक्रिया हो चुका है, पहला का आवेदन कर दिया गया और दूसरा की आवेदन की जाँच प्रमंडल कार्यालय के द्वारा किया गया। अब तीसरा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सभी प्रक्रिया अब अपनाया जाएगा और इस प्रक्रिया में आपका मीटर आपके घर पे या दुकान पे इंस्टॉलेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका जो कनेक्शन वो स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने बिजली बिल का नया कनेक्शन लेने की पूरी प्रक्रिया जान गए होंगे।